सोशल मीडिया के जमाने में कब क्या वायरल हो जाए और कब किसका ट्रेंड चल जाए, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस वक्त बॉलीवुड स्टार्स हो या फिर क्रिकेटर्स, सभी पर पुष्पा का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। कोई इसके डायलॉग पर वीडियो बना रहा है तो कोई इसके फेमस गाने शिवल्ली के हुक स्टेप करता नजर आ रहा है। डेविड वार्नर हो या फिर रविंद्र जडेजा, सभी इस मूवी के डायलॉग पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। इन दिनों टॉलीवुड की दुनिया भर में धूम है। तमिल सिनेमा में हाल ही में आई अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पुष्पा के तो कहने ही क्या। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई नामचीन क्रिकेटर उनके डांस स्टेप के वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पेज पर खूब पोस्ट कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि तमाम विदेशी खिलाड़ियों को भी इस पुष्पा के अंदाज में देखा गया है। डेविड वार्नर, ड्वेन ब्रावो से लेकर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, राहुल चाहर आदि प्लेयर्स भी शिवल्ली गाने के हुक स्टेप को कॉपी करते दिखे हैं। तो वहीं स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अल्लू अर्जुन के फेमस डायलॉग पर वीडियो शेयर किया था, जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। पुष्पा, पुष्पराज, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर तो इस अभिनेता के हार्ड कोर फैन लगते हैं। वो अक्सर उनके कई डायलॉग या डांस स्टेप फॉलो करते रहे हैं। इस बार पुष्पा के भी फेमस डांस स्टेप की नकल उतारने में उन्होंने देर नहीं लगाई। डेविड वार्नर की तो पूरी फैमिली ही पुष्पा के रंग में रंगी हुई है। अभी हाल ही में वार्नर की बेटियों ने सामी वाले सॉन्ग पर रश्मिका मंधाना के डांस को कॉपी किया था, जिसका वीडियो वार्नर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मुकाबले के दौरान विकेट लेने के बाद शिवल्ली हुक स्टेप करने लगे थे। सोमवार को कोमिल्ला विक्टोरियंस के खिलाफ खेले गए मैच के 18वें ओवर में ब्रावो गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर बल्लेबाज महिदुल इस्लाम ने गेंद को मैदान से बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन कैच आउट हो गया। ये विकेट लेने के बाद ब्रावो ने हुक स्टेप सेलिब्रेशन किया, जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी किया गया है। इन्हीं के साथ सिर्फ स्टार्स और क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि पुष्पा का जादू हर एक के सर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।